मुंबई लाया जा सकता है, ये खबर मिल रही है। पुलिस ने भारतीय दूतावास को इसकी इजाजत दे दी है और दुबई पुलिस ने भारतीय दूतावास को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी सौंप दिया है। भारतीय दूतावास के सहयोग से पार्थिव शरीर पर लेप लगाने का काम होगा। बोनी कपूर इस वक्त दुबई में हैं और वो ही पार्थिव शरीर लेकर रात तक मुंबई पहुंचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। वसीम जिमीडिया संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। वसीम, रात 9 बजे तक जो पार्थिव देह है श्रीदेवी की वो पहुंच पाएगी, हालांकि इस बीच कल से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद। हाँ, जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है इसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन फाइनली अब मुंबई में आज देर रात तक करीब 9 साढ़े 9 के करीब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अब मुंबई पहुंच जाएगा। उसे लेकर अब काफी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से देखा गया है कि उनके घर के बाहर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और NOC मिलने के बाद अब पुलिस भी यहाँ की हलचल में आ चुकी है कि उनके लिए भी लोगों के जो सेलिब्रिटी है जो आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए भी इंतजाम करना है, उसी हिसाब से सारी चीजें की गई थी। और जिस तरह से आज 3 दिन बीत चुके हैं और 3 दिन बीतते हुए काफी कुछ नया मोड़ देखने मिला था। जिस तरह से पहले जब खबर आई थी उस दौरान हार्ट अटैक की वजह से निधन बताया जा रहा था, इसके बाद जो पोस्टमार्टम आई उसमें कुछ अलग तरीका दिखाया गया, तो कई अटकलें भी लगाई जाती कि ये किस तरह की उनकी मौत हुई है। और अभी भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें भी और भी तरीके खुलासे होने बाकी है किस तरह से उनकी पूरी मौत हुई है। फिलहाल आज रात 9 से 9:30 के करीब जो श्रीदेवी की पार्थिव शरीर है वो मुंबई पहुंच रहे हैं। बिल्कुल वसीम, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वसीम जिमी संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, आज रात तक देवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच जाएगा। लेकिन टॉप मर्डर मिस्ट्रीज भी, दौलत शौहरत और बेवफाई से जुड़े कई किस्से हैं जिससे पहले हमने सुने। टीना मर्डर मामला, शीना मर्डर मिस्ट्री एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री रही और इसका भी अभी तक लगातार चर्चा इस पर होती रही है। 2016 में सुर्खियों में यह मामला रहा और कई बड़े नाम इसकी गिरफ्त में रहे। सुनंदा पुष्कर, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी, और 17 जनवरी 2014 को रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मौत होना पूरे देश में चर्चा का विषय बना। दिल्ली के लीला पैलेस में उनकी लाश मिली थी और उसके बाद से ही तमाम जांचें हुई, लेकिन शशि थरूर को क्लीन चिट मिली। लेकिन यह पूरा मामला हमेशा सस्पेंस बना रहा और लोगों का मानना है कि सच्चाई सामने नहीं आई। जिया खान, 13 जून 2013 को उनकी मौत हुई थी। मर्डर था या आत्महत्या थी, यह मिस्ट्री ऐसी रही कि कभी खुल नहीं पाई। सूरज पंचोली का नाम इस पूरे मामले में सामने आया, उनकी तरफ भी एलिगेशंस लगे, उंगलियां उठी, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी। प्रत्युषा बनर्जी, बालिका वधु की फेमस कलाकार और छोटे पर्दे में अपने पीक पर प्रत्युषा 1 अप्रैल 2016 को इस दुनिया को छोड़कर चली गई। परिवार और दोस्तों ने इस पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया और मिस्ट्री बनी रही। लीना सिंह, अमेरिकी दूतावास की पूर्व कर्मचारी थी और MP में सतपुड़ा के जंगल में इनका शव मिला था और अभी तक